नमस्कार। देखिए भाई, जो CHSL SSC गवर्नमेंट जॉब निकालती है उसके फॉर्म निकल चुके हैं 10+2, यानी अगर आप 12th क्लास पास हैं तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस होगा, कहाँ कहाँ मतलब आपकी जॉब लगेगी, क्या क्या स्टेप आपको इसमें क्लियर करने पड़ेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में फ़िलहाल क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म अप्लाई के लिए आपको SSC की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही SSC की साइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तब आप वहाँ रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करके तब अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो मेन मेन बात है उस पर आपको ले चलता हूँ कि भाई ऑनलाइन अप्लीकेशन यानी 1 फरवरी से 2022 से चालू हो गई है, स्टार्टिंग हो चुकी है, और 7 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपको 1 महीना और 7 दिन मिले हैं, इस टाइम आपको अप्लाई कर सकते हैं। 7 तारीख के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये बाकी 1-2 दिन फीस के लिए हैं कि भाई कब चालान आपका जनरेट हो सकता है, तो मेन आप यही रहेगा कि भाई इसी मंथ में कर दें, फेब का इंतज़ार मतलब मार्च का इंतज़ार ना करें। सेकंड पॉइंट कि भाई इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए 3 एग्ज़ाम होते हैं, मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ, सिलेबस भी इसी में बता दूंगा मैं आपको। फर्स्ट होता है टायर 1, उसके बाद टायर 2, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो फिलहाल इन्होंने टायर 1 की डेट दी है मई 2022 में, तो यानी आपका मई में, यानी ये मई के जो 2022 में जो मई आएगी अभी, उसमें आपका टायर 1 एग्ज़ाम हो जाएगा, और जो एग्ज़ाम उसको कट ऑफ को क्लियर करेंगे तब आपको टायर 2 देना पड़ेगा, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप तीनों क्लियर कर लेते हैं अच्छे से तब आप में इसमें CHSL LDC की आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने बता दिया है एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में बता देते हैं। ये LDC जूनियर सीक्रेट असिस्टेंट में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपका जो मतलब पे स्केल है वो उन्होंने दिखाया है 19,900 से 63,200 तक के बीच है। PA आप क्लियर करते हैं तो 25,500 से 8,100 के बीच है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी सेम है, और ग्रेड ए, इनमें सब में आप सेम देख सकते हैं। वैकेंसी अभी मतलब ये वैकेंसी मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उस टाइम अपडेट कर देते हैं, करीब 3-4 हज़ार के आसपास वैकेंसी रहती है, ऊपर नीचे हो सकती है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो मिलता है SC ST को वो मिलेगा, जो एज में मिलता है या जिस भी चीज़ में फ़ीस में मिलता है वो आपको रिजर्वेशन ज़रूर मिलेगा। मैं मेन मेन बातों पर चलता हूँ, कहाँ कहाँ होगा। चलिए फिलहाल एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी एज 18 से लेके 27 साल के बीच में होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी आपकी एज 27+5 32 साल तक काउंट हो सकती है। और अगर आप OBC में आते हैं तो आपको 3 साल, PWD अनरिजर्व 10 साल, PWD OBC 13 साल। अगर इनमें से आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर सकता हूँ या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं जो मेन मेन इसमें चीज़ें हैं। ये सर्टिफिकेट आपका जो बनता है वो क्रूशियल डेट आपकी ये चेक कर लेना कि भाई किस टाइम होना चाहिए, वो जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पहले आपका SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास उस टाइम होने चाहिए। हाँ चलिए, देख सकते हैं आप कि अगर आप LDC GSA PASC या DEO के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको साइंस स्ट्रीम से पास होना ज़रूरी है विद मैथमेटिक्स। ये मैं आपको बताता चलता हूँ जो मेन मेन बात है इसमें, बाकी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। फीस इसमें 100 रुपये फीस है, और अगर कोई वुमेन या गर्ल या SC या ST या PWD या एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करता है तो उसके लिए कोई फीस नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए इसमें मेन हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। या आप सेंटर वगैरह साइट से अप्लाई कर सकते हैं, जिस स्टेट से आप हैं, नॉर्थ ईस्ट या इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। चलिए भाई मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। तो मैंने बताया आपके 3 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम टायर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी आपको MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें बेस्ड होगा। सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको एसे या लेटर लिखकर दिखाना होता है। और थर्ड होता है आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला जो टायर 1 आपका होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ।
कि भाई उसका सिलेबस आपके इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है वहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस वहाँ से क्वेश्चन आएंगे 25, 50 मार्क्स। मैथमेटिक्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन वहाँ से 50 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस वहाँ भी 25 क्वेश्चन आए। सिलेबस आप नीचे देख सकते हैं कि भाई सिलेबस क्या क्या होगा, उसमें आप देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.50 की, कि आप सारे करते हैं और कुछ गलत करते तो कट जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, ये सिलेबस है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, आप सिलेबस देख सकते हैं। लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैथ्स में आपका क्या क्या आएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, आप ये नोटिफिकेशन जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद टायर 2 में आपको, मतलब जो बच्चा कट ऑफ क्वालिफाई करता है उसके बाद आपको टायर 2 देने का मौका मिलेगा। वो आपके लिए सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, आप में उसके लिए आपको 100 मार्क्स का पेन और पेपर से लिखना पड़ेगा, वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। उसमें आपको मिनिमम 33% लेके आने होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे मतलब अलग अलग हो सकता है, वो नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। हिंदी या इंग्लिश में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक ऐसे लिखना पड़ता है आपको, एक लेटर लिखना पड़ता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, मिनिमम आपको 33% मार्क्स मिनिमम आपको लेके आने पड़ते हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होता है, क्योंकि आप LDC के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका स्किल टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब आपकी जो स्पीड होती है, जो वो दी जाती है कि 35 के आसपास आपकी स्पीड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है, उससे कम आपकी स्पीड टाइपिंग टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो आपकी स्पीड 30 काउंट होगी। टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होगा, तो ये मेन है। फिलहाल आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोई किसी को और कोई इशू है तो नीचे मुझे पूछ सकता है। थैंक यू।